मंदिर में लगेगी अरुण योगिराज की बनाई रामलला की मूर्ति। 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी प्रतिमा। अरुण योगिराज मैसूर के रहने वाले हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार मंदिर के लिए मूर्ति का चयन कर लिया गया है। अरुण योगिराज की बनाई रामलला की मूर्ति 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम की होगी। उन्होंने केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी उन्होंने ही बनाई है। 70 साल से जिस प्रतिमा की पूजा होती रही है वो मूर्ति भी मुख्य गर्भगृह में रहेगी। इंडिगो के विमान से गिरफ्तार शख्स को मिली जमानत। फ्लाइट 13 घंटे देर होने पर पायलट को मारा था थप्पड़। दिल्ली से गोवा को डाबोलिम जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में हुई इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। को पायलट की शिकायत के बाद फिलहाल वह दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। पैसेंजर साहिल कटारिया को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA पर रविवार को इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पैसेंजर इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 में कम से कम 13 घंटे से हो रही देरी से नाराज था। ये घटना सोमवार को दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 में हुई। फ्लाइट में 100 लोग सवार थे। पैसेंजर को दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। 20 से 21 जनवरी को आम लोगों के लिए बंद रहेगा राम मंदिर। 7 दिनों तक होगा विशेष पूजन। प्रतिमा 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में होगी। प्रतिमा को जल, अन्न, औषधि, घी इत्यादि अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। इसको पूजा पद्धति में अधिवास कहते हैं। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर ट्रस्ट समय समय पर श्रद्धालुओं को निर्माण से जुड़ी तस्वीर और जानकारियां मुहैया कराता रहता है। ट्रस्ट की तरफ से आज बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20 और 21 जनवरी को राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की मूर्ति अपने आसान पर विराजमान होगी। इस मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो के बीच होगा।